إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى

माह रमज़ान हमसे धीमे धीमे रुख्स हो रहा है माह रमज़ान के ये आखिरी एयाम हमें हसूल इनाम के एयाम हैं लिहाजा जिस तरीक़े से हमको माह रमज़ान की आमद की खुशी थी उसी तरीके से हमको माह मज़ान के और रुख़त होने का गम कि जिसमें खुदा वंद आलम ने अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाजिल की अब हम में से कौन लोग उन रहमतों से फैजियाब हुए कौन लोग फैजियाब ना हो सके हमको अपने मुहासबे नफ्स का मुहासबा करना चाहिए और हमको इस दिन के आखिरी लमहे तक हती इमकान या कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे गुनाह खुदा आलम माफ़ कर दे हम इस तरीक़े से अपनी फरियाद बारगाह खुदावंदी में पेश करें कि खुदा आलम हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे इसलिए कि रसूल अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से रमज़ान आने के सिलसिले में खुदा ख़ुदब शाबानिया इर्शाद फरमाया था कि देखो तुम्हारे नज़दीक खुदा का महीना आ रहा है मेहमानी खुदा की मेहमानी का महीना आ रहा है खुदा मेज़बान है तो मेहमान हो क्या वजह थी ये जुमले में बड़ी वसावत है कि देखो जो, जो साल भर तुमसे गुनाह सरद हुए हैं साल घर चाहे वो ज़बान से चाहे वो आँख के जरिए से चाहे वो कदमों के जरिए से चाहे वो हाथों के ज़रिए से तो ये महीना तुम्हारे तुम्हारे जिस्म का ख़ुम्स और ज़कात है माल की माल का खुम्स निकाल देते हैं जो अशिया होती है उसके बाद जकार निकाल देते हैं हमारा जिस्म में जो गीबतों के ज़रिए से हसद के जरिए से बेजा गुफ्तु के जरिए से जो हमारे जिस्म में वो लहू दौड़ रहा है कि जिससे हम आ, गुनाह के मुंतकब हो चुके हैं उसके लिए मगफरत का महीना यह है अगर तुम चाहो तो अपने गुनाहों की बारगाह परारी में मगफरत कर सकते हो बेहतरीन मौका है इसलिए कि हतलमकान मेहमान ये कोशिश कर मेज़बान ये कोशिश करता है कि अपने आने वाले मेहमान के लिए हम हतमकान कोशिश ये करें कि इसको हम खुश रखें हर ये तमाम होता है लिहाजा रमज़ान में उसी तरीक़े से हमारे लिए तमाम किया जाता है और हमारे लिए मगफ़रत के दरवाज़े खुले रहते हैं शैतान मगलूक होता है जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं अब अगर हम हमने ये मौका गवा दिया अपने हाथों से तो जाहिर सी बात है कि हमारे हमारे पास कफे दस्त मलने के अलावा कुछ ना होगा अब आइए जैसा कि परवरदगार आलम ने फरमाया है कि या यूह लवी मिल मिल जुमाते ईमान लाने वालों जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो दौड़ पड़ो और कारोबार बंद कर दो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है और तुम जानते हो जानने वाले हो जाहिर सी बात है कि हमारे वाली, हमारे लिए आने वाला जुमा जो है वो जिसे हम अलविदा के नाम से कहते हैं तो जाहिर है कि क्यों जुमे की अहमियत क्यों इतनी ज्यादा दी गई है और जुमे ही को हम अलविदा क्यों मनाते हैं या हमको चाहिए था कि हम आखिरी रोज को अलविदा मनाते यहाँ पर इस्लाम में और मासूम ने जो फरमाया है कि तमाम अयाम का सरदार योम जुमा है और योम जुमा योम जुमा को ख़ास अहमियत दी गई है इस्लाम में और इस सिलसिले में बहुत से रवायात हैं जिनमें से बात के जानब मैं इशारा की देता हूँ जुमे को जुमे को अलविदा होना जिसकी तरफ रसूल अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इम्मा फरमाते हैं कि देखो ये तमाम अय्याम का सरदार है पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि रोजे जुमा हफ़्ते के दिनों का सरदार और खुदा ख़ुदाबंदे वताल के नज़दीक अजीम शान रुतबे का हामिल है रसूल रसूलकर ने फरमाया कि देखो के तमाम अयाम के में बेहतर और अफजल और सरदार सरदार जो है यो में जुमा है लिहाजा इस दिन मोमिनों की ईद का दिन भी करार दिया गया है कि जिस दिन हम मस्जिद जाते हैं और योम जुमा की नमाज अदा करते हैं इसकी डिफ्रेशन क्या है कभी हमने सोचा है देखिए नमाज जमा जाहिर सी बात है कि महदूद हलके में अगर मस्जिद है तो रात की तो नमाज जमात में जब इंसान आएगा तो एक दूसरे के मोमिन के हालात से आगाही होगी इसीलिए इसका अजीम सवाब है कि जमात के साथ में खुदा बंद आलम साहब खुदा बंद की जब इबादत की जाएगी तो और उसके बाद में तमाम हालात से आगही होगी इसी तरीके से जुमे का दिन है चूँकि जो उसका हल्का है जुमे का उस दिन जब इंसान एक जगह जमा होगा इबादत खुदाबंदी खुदाबंदी मिल के करेगा और उसके बाद में एक दूसरे की हालात मालूम होंगे और आलमी हालात से आगही होगी आलमी का मतलब ये है कि दुनिया के हालात से आगही होगी जुमा महरूम में फकरा की मदद का दिन है जुमा के दिन हत्यामकान ये कोशिश करो कि फ़करा और गरबा के लिए जो भी तुमसे मदद हो सके वो किया करो चूँकि उस दिन का मदद करना ज़ाहिर सी बात है बहुत ही अजीम सवाब रखता है आगे फरमाया कि हदीस में हम हम पढ़ते हैं कि तुम अपने सदके और इनफाक को जुमे के रोज़ अंजाम दिया करो मासूम फरमाते हैं कि अपना सदका जुमे के रोज़ दिया करो सदका निकाला करो तो जुमे के दिन निकाला करो गरबा की मदद करो तो हतमकान ये कोशिश करो कि जो है कि जुमे का दिन उसमें अगर शुमार हो जाए तो बेहतर है जुमा मुसलमानों की ईद है अब पैगंबर फरमाते हैं कि जुमा मुसलमानों की ईद है जुमे के रोज़ बंदों के आमाल की बुलंदी के लिए आसमानी दरवाज़े खुले रहते हैं देखिए कितने फ़ायदे हमको मिल रहे हैं पैगंबर फरमाते हैं कि जुमे के रोज़ बंदों के लिए आमाल की बुलंदी के लिए आसमानी दरवाज़े खुले रहते हैं अब आम आ, आम दिनों के अलावा जो है हमको जो है माहान के अलावा जो है हमको ये ताक़द की गई है कि जुमे का भी ख़्याल रखो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जुमे के रोज़ खुदा बंद आलम बंदों के नेक आमाल को दोगुना कर देता है अब आइए आगे फरमाते हैं कि और बुरे आमाल को मिटा देता है ये जुमे का दिन है मोमिन के दर्जात को बुलंद करता है और दवाओं को कबूल करता कबूल करते हुए परेशानियों को दूर करता है और मोमिन के हाजात को पूरा करता है ये रसूल अक्रम सला वल्लम का कौल है जाहिर सी बात है कि मैं तर्जुमा कर देता हूँ आपके सामने चूँकि अरबी का पढ़ना जो है वक्त ज़्यादा ज़ाय हो जाएगा लिहाजा जुमे का दिन अब ये जुमा जो आखिरी अलविदा आता है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसको हम योम खुद से भी मनाते हैं हमको ख़याल रखना चाहिए कि जो है कि योम क़ुद की क्या अहमियत है हम क्यों मनाते हैं योम क़ुस दरा असल जो इस्लाम पर गैर मुस्लिम के हमले हुए हैं उसकी याद का दिन है बैतुलमुद्दस जो हमारा पहला क़िबला था उस पे मुश्किन कुफ़ार मुसलत हुए थे और उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था लिहाजा जो मुश्किन हैं जो कुफ़ार हैं मुसलसल जो है वो मुसलमानों के मुसलमानों पर और मुसलमानों की दरसगहों पर मुसलमानों की इबादत गाहों पर मुसल हमले कर रहे हैं कि इस तरीक़े से हमले करके मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए लिहाजा हमको ये गौर करना चाहिए कि जो है कि हमको इन कुफार और मुश्किन की हुकूमतों से होशियार रहना चाहिए और इनके प्रोडक्ट से हमको इज्तना करना चाहिए फलस्तीन है इसराइल है जिसमें शैतानियत का पूरा जो है पूरा जो है वो शैतान वाला काम जो है ये दोनों कर रहे हैं अमेरिका है शैतान वाला काम कर रहे हैं लिहाजा अब अगर हम इन इन जालिमों के बताए हुए रविश पर चल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम भी हमारा भी जालिमों में हो सकता है जालिमों में होगा इसलिए कि जो है कि ये इस्लाम की मखाल मुखालफत में ही मुकम्मल मुकम्मल काम कर रहे हैं जो हमारा कबल अवल था जाहिर सी बात है कि जो है कि उसको उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया और वही इसराइल और फ़लस्तीन यही यही वो जगहें हैं कि जहाँ पर अमेरिका इनको अपनी कठपुतली बनाए हुए है और उसके ज़रिए से इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है लिहाजा हमको चाहिए कि पुरजोर हम इसका एहतजाज करें यो मिल जाहिर है कि ये कि हमारी इबादत की जगह है बैतुलमुद्दस ये हमारा हक़ है खुदा वंद को हुक। खुदा वंदम का हुक्म हुआ था रसूल इस्लाम पर कि जब यहाँ पर ये शरपसंदनासर और ये यहमिन ये कुफ़ार जब उस पर कब्ज़ा कर रहे थे तो उस वाहिर सी बात है कि रसूल खुदा आलम ने उससे पहले ही रसूल इस्लाम से कह दिया था कि देखो अब अपनी नमाज़ का रुख काबे की तरफ़ मोड़ दो जाहिर है कि जो है कि हम ऐसे अगर मुल्कों के मुतबईन हैं हम इनकी इतवा कर रहे हैं मसला उनकी इतवा हमारे माशरे में भी घुसी हुई है बेपरदगी उनके अहकाम हैं उनके यहाँ जो है ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि जितनी ज़्यादा बेप्रदगी होगी उतनी ही ज़्यादा जाहिर सी बात है कि ये कि ये अमेरिका और इसराइल की ज़हनीत है लिहाज़ा अगर हम बेपर्दगी को अपनाए हुए हैं अपने घरों में तो जाहिर है ये इतवा अमरीका और इसराइल का है तो जो उन जालिमों का हाल रोज़ मशर होगा वही जाल, वही हमारा भी हाल होगा लिहाजा अल्लाह के लिए हम ऐसे ऐसे, मु, ऐसे का इतवा ना करें कि जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं हमारे मुखालफत कर रहे हैं हमारे मज़ालिम, हमारे ऊपर मज़ालिम किए जा रहे हैं हमारे के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं हमारी इबादत गाहों पर मज़ालिम हो रहे हैं हमारी दरसगाहें छीनी जा रही हैं हमारे के ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है जगह जगह पर आप देख लीजिए आगे जगजकी वग़ैरह इनके ऊपर मुसलसल और ये जो सऊदी अरब में हमारे उलमा यानी जो है काफ़ी शहीद कर दिए गए हैं तो लिहाजा हमको हमारे ऊपर ज़रूरी है कि जो है कि हम इन ममालिक ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें यही हमारा ईमान है जाहिर है कि जुमे के रोज़ के लिए मासूम ने फरमाया जो शख्स जुमे के रोज़ अपने वालदे या उनमें से किसी एक माँ बाप की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाए तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसका नाम नेक अफराद के ज़ुमरे में लिखा जाता है जुमे के रोज़ अपने वालदान की कब्र पर जाओ कब्र पर जाने के लिए यह जुमरात का दिन है जाहिर सी बात है कि बड़ी रवायात हैं वक्त कम होता है और बयान तब बयान जो है वो तवील हो जाता है लिहाजा किसी मौक़े के ऊपर तफसली बयान दिया जाएगा इन मासूम ने फ़रमाया है कि जुमे के रोज़ अपने वरासा की कब्र पर जाओ इसलिए कि जो है कि तमाम गुनाह बख्शी बख्श दिए जाते हैं और उसका नेक नेकाल नेक अफराद के ज़ुमर में लिखा जाता है जुमे के लिए है जुमे के रोज़ गस्ल जुम् तर्क न करो क्योंकि ये सुन्नत पैग़म्बर है पैगमर इस्लाम है लिहाजा खुशबू लगाओ और अच्छा लिबास पहनो और जुमे की नमाज़ के लिए निकल जाओ पैगम्बर ने फरमाया है कि फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नती कौन है पैगम्बर ने सवाल किया है कि क्या क्या, क्या मैं बताऊं कि जन्नती कौन है तो सुनो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतनबे करके कहा है कि देखो सुनो वो शख्स जिसे शदीद सर्दी और गर्मी में रोजे जुमे के आमाल से ना रुके यानी चाहे जितनी गर्मी हो और चाहे जितनी सर्दी हो वो जुमे के आमाल से ना रुके वो बहिष्ती है वो जन्नती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म पर फरमाया है कि देखो अगर जन्नत के मुश्ताक हों तो इस जुमे का भी ख़याल रखना आगे फरमाया है कि जुमे के रोज़ जहाँ तक के मुमकिन हो सके नेक आमाल अंजाम दो यफ अलिल खैर मास तथा जो शख्स वो शख़्स जो जुमे के रोज़ सफाई करते हुए अपने नाखून काटेगा सर के बाल और दाढ़ी बनवाएगा और मिसवाक करे और जुम नमाज जुमा अदा करने जाए तो सत्तर हज़ार फरिश्ते उसे खुदा हाफिजी करते हैं और उसके लिए मगफरत व शफात करते हैं तलब करते हैं जाहिर सी बात है कि सफाई के लिए हुक्म हुआ है जैसे कि रसूल इस्लाम अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अनजा फ़तिन सफ़ाई ईमान की निशानी है इस दिन नाखून काटना चाहिए इस दिन सरके बाल बनवाना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि सत्तर हज़ार फरिश्ते उसके लिए उसके नेक आमाल के लिए दुआ करते हैं मफ़रत करते हैं लिहाजा हमको इस रोज़ के लिए बहुत ही मतलब रहना चाहिए हमको जो है आगाह रहना चाहिए कि जो है कि इस रोज़ का हम जो है वो मामूली बना मामूली दिन मान के ना छोड़ दें बल्कि हमको चाहिए कि जो है कि अगर हम मुसलमान हैं तो इस रोज़ का हम ख्याल रखें और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी जब गुजारेंगे तभी हमारी दुनिया और आखरत दोनों जो है वो बेहतर रह सकती हैं وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين